आइए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। फाइनली दोस्तों, Realme 12 Pro सीरीज इंडिया में 29 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ Realme 12 Pro 5G के बारे में। इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इंडिया में किस प्राइस पे आने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो आपको 6.7 इंच का FHD प्लस वाली आपको एक OLED कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है। जहां सही सुना, कर्व डिस्प्ले होगा, सेंटर पंचोल डिजाइन के साथ आएगा। उसी के साथ दोस्तों आपको यहां पे हायर रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बाकी दोस्तों कितने निट्स का पीक ब्राइटनेस होगा और फ्रंट साइड में कौन सा प्रोटेक्शन होगा, अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कैमरा सेटअप इस बार आपको काफी कमाल का दिया गया है। प्राइमरी सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, साथ में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 32 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस दिया गया है। बाकी दोस्तों कौन सा सेंसर यूज किया गया अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे बता दूं कि Realme 12 Pro Plus 5G में सोनी का सेंसर यूज किया गया, IMX890। तो क्या वही सेंसर इस फोन में भी यूज किया गया है, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप 80-90% मान के चलो कि इसमें भी आपको सोनी का शायद से IMX890 सेंसर देखने को मिले। प्राइमरी कैमरा जो है उसमें बात कर रहा हूँ। सेल्फी कैमरा की अगर बात करो दोस्तों, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आप रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, जी हाँ। और सेल्फी में मुझे लगता है कि 1080p का आपको सपोर्ट मिलेगा। स्लो मोशन, नाइट मोड, पोर्ट्रेट, जो भी कॉमन फीचर्स होता है वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिलेगा और Realme UI 5.0 चलेगा। और बताया जा रहा है कि आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है और 4 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। सो एंड्रॉइड 15, 16, 17 तक होपफुली आप अपडेट कर पाएंगे। उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो आपको 5000mAh का मिलने वाला है, 67 वाट फास्टिंग सपोर्ट के साथ आएगा और वो फुली आपको बॉक्स में चार्जर मिल जाएगा। अगर आप उस चार्जर से चार्ज करेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट आपको 50 मिनट में आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा। ओके, सो बात कर लेते हैं इसके चिपसेट के बारे में। तो बताया जा रहा है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने को मिलेगा और ये दोस्तों 4nm पे आता है। तो बैटरी एफिशिएंसी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसका जो एंटूटु स्कोर है 560,000-570,000 के आसपास में आता है। सो नो डाउट जो परफॉर्मेंस है आपको डिसेंट देखने को मिलने वाला है। बाकी स्टोरेज और रैम सपोर्ट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है कि LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलेगा और UFS 3.1 का देखने को मिलेगा। एज ऑफ नो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ओवरऑल जो प्रोसेसर है दोस्तों काफी डिसेंट है। आप ओपन क्लोज बहुत ही स्मूथ होगा, डे टू डे लाइफ का आपका जो भी वर्क होगा दोस्तों बहुत ही इजिली हैंडल कर लेगा। गेम अगर आप यहाँ पे खेलिए, यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें कुछ इमेज लीक हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, जहाँ इसी डिजाइन के साथ आने वाला है। बेसिकली लेदर बैग डिजाइन के साथ आएगा दोस्तों और यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डिजाइन दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी रिसेंटली चाइना में एक फोन लॉन्च हुआ था, Realme GT 5 Pro 5G, सेम वैसा ही डिजाइन देखने में लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम डिजाइन लग रहा है। मुझे पर्सनली ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये डिजाइन, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, जी हाँ। डुअल नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट मिलेगा, दोनों में आप 5G सिम लगा पाएंगे, मल्टीपल 5G बैंड का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। डुअल स्पीकर के साथ आने वाला स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मुझे IP रेटिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। लॉन्च डेट मैंने आपको बता दिया, 29 जनवरी को Realme 12 Pro सीरीज लॉन्च हो रहा है, जी हाँ। प्राइस की बात कर लेते हैं तो Realme 12 Pro 5G दोस्तों इंडिया में बताया जा रहा है कि 3 वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है। 8GB 128GB इसका बेस वेरिएंट होगा, 8GB 256GB और 12GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज इसका तीसरा वेरिएंट होने वाला है। अगर प्राइस की बात करूं दोस्तों तो इंडिया में अंडर 30,000 के रेंज में आएगा। Realme 12 Pro की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि 27,000-28,000 रुपये इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा और शायद से फर्स्ट सेल में आपको 1,000-2,000 रुपये का कार्ड ऑफर वगैरह देखने को मिलेगा। सो इफेक्टिव जो प्राइस है इंडिया में मुझे लगता है कि 26,000 से शुरू होना चाहिए, जी हाँ।
Realme 12 Pro की बात करो और जो Realme 12 Pro Plus 5G होगा उसका जो प्राइस है इंडिया में अंडर 35 के होगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि 33,000 रुपये 32,000 रुपये के आसपास से शुरू हो सकता है इंडिया में। और फर्स्ट सेल में मुझे लगता है दोस्तों कि 1,000 या 2,000 रुपये का कार्ड ऑफर उस पर भी देखने को मिलेगा। तो इफेक्टिव जो प्राइस है मुझे लगता है कि 30,000 या 31,000 रुपये से शुरू हो सकता है Realme 12 Pro Plus 5G। सो दोनों का प्राइस मैंने बता दिया, लॉन्च डेट आपको मालूम चल गया, 29 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर से करिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।